कोटा में कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह कोटा में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसमें जिला प्रशासन की नींद उड़ा दी गई। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना से मिली जानकारी में ये सामने आया कि कोटा के बजाज खाने से 10 और इंदिरा मार्केट से 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। तो वहीं एक दुख भरी खबर ये भी आई कि कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई, जो कि श्रीपुरा का निवासी था। इसके साथ ही कोटा में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है, साथ ही में 184 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए वन संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज कोटा से मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या स्थिति है कोटा में फिलहाल? बिल्कुल जी, अगर कोटा की बात करें तो कोटा की स्थिति काफी भयानक बनी हुई है और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आते जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वो वास्तव में काफी दुखद खबर है। ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जहां से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर नहीं आए। आज की बात करें तो कोटा में कोरोना पॉजिटिव से जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आज 6 मौतें हो चुकी है और कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है 184 पहुंच चुका है। और लगातार जिस तरह से मेडिकल चिकित्सा विभाग से सैंपल लिए जा रहे हैं तो उसमें और कोरोना पॉजिटिव के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो जेपी, अगर बात की जाए तो कोटा की स्थिति कहीं ना कहीं दुखद स्थिति है और भयानक बनी हुई है। जी जेपी राजेंद्र, क्या वो कारण है, जो लॉकडाउन भी है, कर्फ्यू भी वहां पर है, लेकिन जो संक्रमण की चेन है वो वहां पर टूट नहीं रही है कोटा में, क्या कारण लगते हैं आपको इसके पीछे? बिल्कुल जेपी, ये यहाँ पर ये सवाल काफी लाजमी है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा बना था वो परकोटा क्षेत्र से बना था और परकोटा क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो जगह पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। इस इलाके को मकबरा कहा जाए, मकबरा है, रामपुरा है, कोतवाली है, स्टेशन क्षेत्र में फिर भी दुखद तस्वीर सामने आई है कि वहां पर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है। मकबरा जो श्रीपुरा और बजाज थाना का जो इलाका है वो सटा हुआ इलाका है, तो इसलिए ये चेन को तोड़ने में कहीं ना कहीं प्रशासन भी नाकाम हो रहा है। लगातार कुछ दिन पहले एक तस्वीरें सामने आई थी जिसमें रामपुरा से काफी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल गए थे और राशन की मांग कर रहे थे। तो यही एक कारण है जिनसे ये चेन टूट नहीं रही है और ये जब तक ये चेन नहीं टूटेगी इस कोरोना संक्रमण को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि कोरोना संक्रमण का एक ही इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को अपने घरों में रहना है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं करा पा रहा है और जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जिस तरह से लोग रहते हैं वहाँ पर एक दूसरे से जल्दी लोग संपर्क में आते हैं और संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी अगर पूरे आंकड़े की बात करें जाए तो पूरा आंकड़ा परकोटा क्षेत्र से ही निकल कर आ रहा है। तो एक साथ 16 और 18 कोरोना पॉजिटिव 19 पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोटा के लिए दुखद खबर है। जी जेती जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद राजेंद्र। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान में